नमस्कार दोस्तों, आजकल पैन कार्ड बनाने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और ज़्यादातर उन्हीं को प्रॉब्लम आ रही है जो मोबाइल से अप्लाई करते हैं। NSDL की तरफ से उनको ईमेल आता है या फिर आप जहाँ पर स्टेटस चेक करते हो वहीं पर साफ साफ लिख के आ जाता है कि आपकी फ़ोटो या फिर सिग्नेचर क्लियर नहीं है या फिर जो साइज़ रिक्वायरमेंट होती है उस साइज़ के हिसाब से नहीं है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि अपनी फ़ोटो या फिर सिग्नेचर आप किस प्रकार से जो साइज वहाँ पर मांगता है आप किस प्रकार से बना सकते हो। सबसे पहले अगर आपके पास पासपोर्ट साइज की पहले से कोई फ़ोटो है आपने स्टूडियो में खिंचवाया है तो उसकी इसी अपने मोबाइल से क्लियर फ़ोटो खींच लीजिए और इसके बाद से एक वाइट ब्लैंक पेपर में अपने सिग्नेचर कर लीजिए और इसकी भी आप फ़ोटो खींच लीजिए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन के थ्रू कि आप किस प्रकार से इनको मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों, जब भी आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करें, चाहे आप मोबाइल से करें या फिर कंप्यूटर से करें, आपको ये तीनों काम तो पहले से करके रख लेना है। जैसे कि आपकी फ़ोटो हो गई, सिग्नेचर हो गई या फिर डॉक्यूमेंट्स की साइज़ कंप्लीटली आपको बना के रख लेनी है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ फ़ोटो की और सिग्नेचर की साइज़ आपको क्या रखनी है। सबसे पहले आप फॉर्मेट देख लीजिए, तो फॉर्मेट आपको दोनों का ही JPEG में रख लेना है और जो DPI मतलब डॉट पर इंच 200 रख लेना है। इसके बाद से कलर रख लेना है। इसके बाद से फ़ोटो की डायमेंशन के बारे में अगर बात करें तो आपको फ़ोटो की चौड़ाई आपको 2.5 सेंटीमीटर रखनी है और लंबाई की बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर रखनी है और इसकी जो साइज़ है दोनों की 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाती तो आप ऑनलाइन ही इसको रिड्यूस कर सकते हो। इसी प्रकार से अब हम सिग्नेचर की बात कर लेते हैं, तो इसमें वही है JPG आपको फॉर्मेट रखना है, 200 DPI रखनी है, कलर में रख लेना है। इसका डायमेंशन की बात करें तो आपको 2 सेंटीमीटर आपको लंबाई रखनी है और 4.5 सेंटीमीटर आपको चौड़ाई रखनी है इस प्रकार से, और इसकी भी साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ मोबाइल में किस प्रकार से मैनेज करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले प्ले स्टोर से फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, इसके बाद से ओपन करेंगे, इसके बाद से न्यू पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर सभी डायमेंशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पिक्सल हो गया, इंच हो गया, mm, सेंटीमीटर और मीटर। तो आपको सेंटीमीटर पर चूज़ कर लेना है। इसके बाद से हम यहाँ पर फ़ोटो की साइज़ बना रहे हैं, इसके बाद से अपना विड्थ और हाइट चूज़ कर लेना है। इसके बाद से यहाँ पर 200 रखना है। इसके बाद से बैकग्राउंड में आपको वाइट बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है। इसके बाद से ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो फ़ोटो की साइज़ आ चुकी है। अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है या टेक्स्ट और इमेज पर क्लिक करना है। इसके बाद से प्लस पर क्लिक करना है, इसके बाद से इमेज पर क्लिक करना है, इसके बाद से गैलरी पे और अपनी फ़ोटो चूज़ कर लेना है। तो चूज़ करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद से आपकी जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है इसको पूरा इस डॉक्यूमेंट्स में आपको फिट कर देना है। इस प्रकार से अच्छे तरीके से आपको अपनी फ़ोटो को बिठा लेना है। फ़ोटो को पूरी तरीके से फिट करने के बाद ऊपर राइट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद से अप्लाई पर क्लिक करेंगे, तो आपकी फ़ोटो कंप्लीट हो चुकी है। इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और गैलरी में सेव कर लेंगे। तो आप देख सकते हो जो हमने अभी अभी फ़ोटो बनाई है उसकी डिटेल्स आपको मोबाइल पर कुछ इस प्रकार से दिखाई दे दी है। अगर 50 KB से ज़्यादा हो जाती तो आप ऑनलाइन ही इसको साइज़ को कम कर सकते हो। ये तो रही फ़ोटो की बात, चलिए अब मैं आपको सिग्नेचर बना के बता देता हूँ। तो दोस्तों, सिग्नेचर की साइज़ आपको कुछ इस प्रकार से रख लेनी है सेंटीमीटर में। हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर और विड्थ इसकी 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद से वाइट बैकग्राउंड लेके और ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो आपकी सिग्नेचर का बैकग्राउंड इस प्रकार से आ चुका है। इसके बाद से जैसे मैंने पहले बता दिया है, आपको नीचे जाना है, टेक्स्ट एंड इमेज पर क्लिक करना है, प्लस पर क्लिक करेंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे, गैलरी पे अपना जो सिग्नेचर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से अपने सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेना है और अगर आपको लगता है कि सिग्नेचर का बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क हो गया है तो आप यहाँ से एक्सपोजर बढ़ा के या फिर कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसके बाद से अप्लाई पर क्लिक कर देना है और इसके बाद से आपको अपने सिग्नेचर को इस डॉक्यूमेंट्स में अच्छी तरीके से फिट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर फिट इसको कर लिया है, आप भी इस प्रकार से कर सकते हो। इस प्रकार से फिट करने के बाद और ऊपर राइट पर क्लिक कर देना, इसके बाद से अप्लाई पर क्लिक कर देना और अपनी गैलरी में इसको सेव कर लेना है। इसके बाद से जब भी आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करो तो अपना यही वाला सिग्नेचर और अपनी फ़ोटो आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
और जो दिक्कत आपको आ चुकी है तो आप जब भी स्टेटस चेक करते हो तो ये सब बना के आपको वहाँ पर अपलोड कर देना है, या फिर आप उनको ईमेल पे भी सेंड कर सकते हो। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हो जो हमने अभी अभी सिग्नेचर बनाया है आपके मोबाइल पर, उसकी डिटेल्स कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है।